गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ दो मंत्र पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार मद्रास में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर पंडित लीलाधर चौबे अपने संगठित साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां उपेक्षित वर्ग को समझाने का प्रयास किया जाता है, परंतु एक बूढ़ा चौबे जी की बातों का खंडन करता है और उनसे कहता है कि पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए, उसके बाद ही आप हमारा उद्धार करने लायक बन सकते हैं। जब तक आपके मन में छोटे बड़े का भेदभाव है, तब तक आप हमारा उद्धार, हमारा भला नहीं कर सकते। जब चौबे जी की आने की खबर धर्म परिवर्तन करने वालों को मिलती है तो वह बड़ी चिंता में हो जाते हैं और पंडित जी को किसी न किसी तरह मद्रास से भगाने का निश्चय करते हैं। परंतु उन लोगों ने एक बड़ा ही डरावना निश्चय किया कि पंडित जी का कत्ल कर दिया जाए, पंडित जी को मार दिया जाए। दो व्यक्ति इस काम के लिए चुने जाते हैं। वे दोनों ही व्यक्ति पंडित जी को मारने के लिए, पंडित जी को हत्या करने के लिए उनके कैंप में जाते हैं और ताबड़तोड़ लकड़ियों का वार, उन पर लाठियों का वार करते हैं। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं तो वे दोनों समझते हैं कि पंडित जी मर चुके हैं। इस कारण से वह उनके कैंप में रखा हुआ सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके आगे हम हमारी इस कक्षा में पढ़ते हैं। प्रातःकाल उपेक्षित वर्ग का बूढ़ा चौधरी उधर से निकला। किधर से निकला? जिधर पंडित जी के, लीलाधर पंडित जी का कैंप लगा हुआ था, वह उधर से निकलता है तो देखता है कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। समीप जाकर पंडित लीलाधर के कैंप में झांका। उसने सोचा कितनी सुबह हो गई, कोई चहल पहल नहीं है, कोई पंडित जी उठे नहीं है अभी तक। तो वह उनके कैंप में झांककर देखता है तो उसका कलेजा सन्न रह जाता था, वह बड़ा ही डर जाता है। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। क्योंकि उनके सिर पर लाठियों का वार किया गया था जिससे वह बेहोश थे और अभी तक उनकी मूर्छा टूटी नहीं थी या उनमें उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर ही लेटे हुए थे। मुंह पर मक्खियां बिलबिला रही थी क्योंकि वह बेहोश थे, मूर्छित थे, तो मक्खियां भी खून का ऊपर बैठी हुई थी। उनके मुंह पर मक्खियां बिलबिला रही थी। सिर पर बालों में रक्त जमा हो गया था क्योंकि रात भर वो पड़े हुए थे, तो धीरे धीरे खून भी जम गया था। इस कारण से पंडित जी को कोई उठा नहीं। तो मुंह पर मक्खियां बिनबिना रही थी, सहसा पंडित जी के मुंह से कराने की आवाज़ निकली। उनकी पीड़ा हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मुंह से वह करा रहे थे, मुंह से बड़ी दयापूर्ण आवाज़ निकाल रहे थे। अभी उनमें जान बाकी थी अर्थात वह बच गए थे। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत दौड़ा हुआ गाँव में आया और कई आदमियों के साथ लाकर पंडित जी को अपने घर पर उठवा कर ले आया। अर्थात वो गांव में जाता है, कुछ लोगों के साथ लेता है और उन लोगों के द्वारा जमीन पर गिरे हुए घायल पंडित जी को उठाता है और उन्हें अपने घर पर ले जाता है। मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा और सारे गांव वाले उनकी सेवा में जुट गए। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और सब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मुझ पर कितना उपकार किया है। अर्थात जिन लोगों को वे बड़ा हीन समझ रहे थे, जिन लोगों को बड़ा उपेक्षित समझ रहे थे, उन लोगों ने ही संकट के समय उनकी मदद की, उन्हें बिना किसी भेदभाव के अपने घर पर लेकर गए, उनका उपचार किया और उन्हें चलने फिरने लायक बनाया, उनके प्राणों की रक्षा की। इसलिए उन्हें अनुभव हुआ कि जिन लोगों को वो नीच समझते थे, जिनके उद्धार का बीड़ा उठाकर वो आए थे, वह मुझसे भी कहीं ऊंचे। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि व्यक्ति जाति से महान नहीं होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि व्यक्ति जाति से महान नहीं है, लेकिन हमने इस वस्तुओं को, इस ज्ञान की बात को भुला दिया और हम लोग जाति के आधार पर भेदभाव करने लगे, जबकि व्यक्ति अपने कार्यों से महान बनता है। संत रैदास, उस समय उन्हें भी बड़ा अछूत समझा जाता है, लेकिन वे इतने बड़े संत थे, ईश्वर के प्यारे भक्त हुए कि जिनका नाम हम आज भी बड़े सम्मान से लिए जाते हैं। कबीर, जिनके धर्म का कोई पता नहीं था, जिनकी जाति का कोई पता नहीं था, फिर भी हम उन्हें बड़े सम्मान से लेते हैं, उनका नाम, उनका आदर करते हैं, उनकी आज उनकी अगर तस्वीर भी हो तो उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो कौन कहता है कि व्यक्ति की जाति महान होती है? तो पंडित लीलाधर चौबे को इस बात का अनुभव अब होता है जब वे लोग उनकी मदद करते हैं।
और वो मन में विचार करते हैं ये तो मुझसे भी कहीं ऊंचे हैं, अर्थात मैं केवल जाति से महान हूं लेकिन इनके कर्म तो मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। 3 महीने गुजर गए, न तो हिंदू सभा ने पंडित जी खबर ली और न घर वालों ने, अर्थात हिंदू सभा वालों को पता नहीं था पंडित जी के साथ क्या हुआ और न घर वालों ने उन्हें ढूंढने की जहमत उठाई और वे सब लोग उन्हें भूल चुके थे। 3 महीने गुजर गए लेकिन किसी को पंडित जी की याद ना आई और ना ही उन्हें ढूंढने का प्रयास किया गया कि पंडित जी कहाँ चले गए, अर्थात जिन लोगों के लिए वे कार्य कर रहे थे, जिन लोगों के लिए वे रात दिन लगे हुए थे, उन लोगों ने भी जिनके साथ हमेशा रहते थे उनकी कोई खबर नहीं ली। सभा के मुखपत्र में अर्थात हिंदू महासभा को समाचार पत्र निकालती थी, उस समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर उनकी मृत्यु पर आंसू बहा गया था। सबने मान लिया था कि पंडित जी मर चुके हैं, इसलिए हिंदू महासभा ने अपने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा लेख लिखा होगा कि पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि। उनके कार्यों की प्रशंसा की गई, उनके बारे में बढ़ चढ़ कर बातें की गई, उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया, अर्थात लोगों से वे लोग चंदा मांगने लगे कि पंडित जी का स्मारक बनाना है उसके लिए पैसा दीजिए। घर वाले भी रो पीट कर रह गए, अर्थात उस समय संचार के इतने साधन नहीं थे तो घर वाले बेचारे उनके ढूंढ नहीं पाए तो वे भी रो पीट कर उन्होंने ये मान लिया था कि पंडित जी अब जीवित नहीं हैं। उधर पंडित जी उन अछूत जिन्हें अछूत समझा जाता था उनके घर पर रहे और घी दूध खाकर स्वस्थ हो गए। उनमें एक नए जीवन का संचार हुआ है, अर्थात उन्हें एक नया जीवन मिला, नया जीवन शारीरिक रूप से नहीं आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप से कैसे, अर्थात उन्हें ज्ञान हो चुका था कि व्यक्ति जाति से बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई संसार में ईश्वर के बनाए हुए संसार में छोटा बड़ा नहीं है, कोई उच्च जाति या निम्न जाति का नहीं है, इस बात का संचार इस बात का ज्ञान उन्हें हो चुका था। तभी पंडित जी स्वस्थ हुए और घर लौटने की तैयारी करने लगे, अर्थात वह वापस अपने घर की याद आई तो वह घर की ओर आने लगे। तभी गाँव में प्लेग का आक्रमण हुआ। प्लेग ऐसी बीमारी जो चूहों से होती थी, वर्तमान समय में जैसे COVID-19 चल रहा है उसी प्रकार की ये प्लेग भी बीमारी थी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती थी। आज तो हमारे पास इतनी चिकित्सा सुविधा है परंतु उस समय में इतनी चिकित्सा सुविधा नहीं थी तो लोग प्लेग के नाम से डर जाते थे और किसी व्यक्ति को किसी गाँव में प्लेग फैल जाता था तो लोग उस गाँव को उस व्यक्ति को छोड़कर ही चले जाते थे, उसकी सेवा नहीं करते थे। इसी कारण से गांव के गांव खाली होने लगे, गांव के 3 आदमी बीमार हो गए और उनमें से बूढ़ा चौधरी भी एक था, अर्थात वह व्यक्ति जो पंडित जी को उस कैंप से उठाकर लाया था वह भी उनमें से एक था। 3 आदमियों में से एक व्यक्ति बूढ़ा चौधरी था और 2 अन्य गांव के लोग बीमार हो चुके थे, अर्थात प्लेग के चपेट में आ गए थे। घर वाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए, वहाँ का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देव का कोप समझते थे अगता भगवान का क्रोध समझते थे उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे। अब यहाँ पर देवता के कोप से तात्पर्य है कि जिन बीमारियों का इलाज उस समय नहीं था तो लोग ये मानते थे कि देवता अर्थात ईश्वर हम पे क्रोधित हो गए हैं, इसी कारण से बीमारियाँ हैं, अतः इनसे इनकी सेवा करना बेकार है क्योंकि जिनसे भगवान ही नाराज हो उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात अंधविश्वास का वातावरण था। शिक्षा इतनी नहीं थी, चिकित्सा सुविधा इतनी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे लोग इतने नहीं थे, इसलिए उन बीमारियों को भगवान का क्रोध समझकर उन लोगों को ही छोड़कर चले जाते थे। उनका मानना था कि उन्हें बचाना देवताओं से बेर मोल लेना था, अर्थात वे ऐसा मानते थे अगर हमने इन लोगों को बचाया तो भगवान भी हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएगा और हमें भी बीमार कर देगा, परंतु ईश्वर तो किसी से ना तो गुस्सा होते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। पंडित जी को भी लगा, पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहा किंतु पंडित जी नहीं गए। उन्होंने गांव में रहकर रोगियों की सेवा करने का निश्चय किया क्योंकि उन्हें पता था जब उनका बुरा वक्त था तो इस बूढ़े चौधरी ने ही उनकी सेवा की थी, साथ ही उनमें थोड़ी मानवता थी इसलिए वह उन 3 लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे अब उन्हें भी देवताओं से लड़ना पड़े या इन रोगियों के साथ मरना ही पड़े, परंतु इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे इस हालत के अंदर।
उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा तो बोला, महाराज तुम क्यों आ गए। अर्थात बूढ़ा चौधरी 3 दिन बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उसने पंडित जी को अपने सामने देखा तो उसने कहा कि महाराज आप क्यों आ गए, अर्थात आप यहाँ से चले जाइए, मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया, अर्थात मेरे मरने का दिन निश्चित हो चुका है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आप मुझे ठीक भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो मेरे साथ साथ आपको भी मरना पड़ सकता है, आप भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो। तो उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि अब मैं किसी भी तरह रुक नहीं सकता, अर्थात किसी भी तरह मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, इसलिए तुम भी अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, अपने आप को परेशानी में मत डालिए, मुझ पर दया करिए और यहाँ से चले जाइए। क्योंकि बूढ़ा चौधरी बड़ा समझदार था, वह नहीं चाहता था कि उसके कारण किसी और की भी मृत्यु हो, इसलिए वह पंडित जी से कहता है कि आप यहाँ से, महाराज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं तो मरूँगा, मैं तो ये निश्चित है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे साथ मरें या आपका भी बुरा हो, इसलिए कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। बूढ़े कहने से पंडित जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमारे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।